हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू विजन एकेडमी सो द इज एन वेरी इम्पॉटेंट सेक्शन ओवर ईयर जिसको आज हम कवर अप कर रहे हैं दैट इज एग्जाम ब्लूप्रिंट तो बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि एग्जाम में हमारा पेपर पैटर्न क्या रहना कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा ओके फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस अगर हम बात करें इंग्लिश मैथ्स ओके देन रीजनिंग उसी के साथ में जी के एंड देन कंप्यूटर्स तो इसमें हमारा जो पेपर पैटर्न होगा किस हिसाब से होगा उसके ऊपर हम यहाँ पे आपसे बात करने वाले तो हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया कुछ चीज़ों पर हमने थोड़ा एनालिसिस किया सो आफ्टर एनालाइजिंग मतलब काफी सारे एनालिसिस करने के बाद में हम एक जो फाइनल एक ब्लू प्रिंट ओके हम ये नहीं कहेंगे कि ये दिस कििंट इज द एग्जैक्ट ब्लू प्रिंट जिसके हिसाब से और जिस पैटर्न से आपको एग्जैक्टली सीई टी में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे बट ये वी कैन बी प्रेटी मच मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे uh, एक अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट का चेंजेस मे भी हो सकता है ओके दिस इज ऑल्सो मे भी बट हम एजम्शन कर रहे हैं कि नाइन्टी परसेंट चांस में पेपर पैटर्न कुछ ऐसा ही होने वाला है और जिसको हम एज्यूम कर पा रहे हैं ओके तो हमने काफ़ी सारे पेपर्स को एनालाइज़ करने के बाद में काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस को एनालाइज़ करने के बाद में ये पैटर्न हम आपके साथ में डिस्क्लोज कर रहे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि पेपर पैटर्न कुछ ऐसा ही होना चाहिए एंड इसके बेसिस पे आप फिर आपका प्रिपरेशन जो है उसको और बेटर आउट कर सकते हैं तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है ओके okay? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सेक्शन अगर चलो उसके पहले मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता इंग्लिश 40 मार्क्स पर पता होना ही चाहिए अब तक ठीक है फिर रीजनिंग जिसके अंदर वर्बल एंड अरिथमेटिक दोनों इंक्लूडेड है दैट विल बी फॉर 30 मार्क्स फिर उसके बाद में जीके है वो है फिफ्टीन मार्क्स और फिर उसके बाद में कंप्यूटर्स गे है वो भी है फिफ्टीन मार्क्स के लिए ठीक है तो टोटल गेट्स टू हंड्रेड मार्क्स ओके हंड्रेड मार्क्स इज योर टोटल टाइम जो आपको मिलेगा दैट विल बी नाइन्टी मिनट्स ओके सो फॉर एवरी क्वेश्चन आपको एवरी क्वेश्चन के लिए फॉर एवरी क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है यहाँ पे 54 फोर सेकेंड्स का टाइम ओके सो दैट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट टाइम ओके जो आके आपको मिलेगा अब आप कैसे टाइम को आपको मैनेज करते हैं उसको देखना पड़ेगा चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में देखें अगर तो इंग्लिश सेक्शन जो सबसे देखो अच्छा सेक्शन है ओके स्कोरिंग सेक्शन है यहाँ पे हम एक एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि एक समझ लो कि दो आर आने वाले हैं ओके दो आर मतलब एक तरीके से आ जाएंगे यहाँ पे तो आर सी वन एंड आर सी टू यहाँ पे दो आर आएंगे आर मतलब रीडिंग कॉम्पिहशन तो आर सीज यहाँ पे दो होंगे आर सी वन और आर सी टू ओके दोनों में पाँच पाँच क्वेश्चन हम एस्टिमेट करें बिकॉज बहुत सारे जैसे कि अगर हम देखें तो बैंकिंग के भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है तो दो आरसी यूजुअली दिया जाता मतलब दो नहीं होते हैं उसमें एक होता है फिर एक दूसरा हो जाता है लेकिन बहुत सारे जो एग्ज़मिनेशनस होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल जो कि सिमिलर इस टाइप के एग्जामिनेशन जो कि बीबीए बीबीएम इन सब चीज़ों के लिए होते हैं वहाँ पे हमने जो देखा है कि वहाँ पर दो आर मोस्टली हमको देखने के लिए मिलते हैं तो एस्टिमेट हम कर रहे हैं कि टेन मार्क्स के लिए आपको दो आर देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है सो टेन मार्क्स यहाँ पर एक अच्छा मार्क्स है यहाँ पर अच्छा स्कोरिंग मार्क्स है तो अगर कोई पर्सन आर में मतलब कि रीडिंग कॉम्पिनेशन में अच्छा है तो वो बहुत बहुत इजीली यहां पे टेन मार्क्स को स्कोर कर सकते अब टेन में से एट मिनिमम हम बोल रहे हैं कि एट मार्क्स तो आ ही जाना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट आउट नहीं होने वाले हैं ठीक है थीके? फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज यहां पे हम एक्सटिमेट करेंगे तीन क्वेश्चंस ओके थ्री क्वेश्चंस हमारे पास में सिनोनिम्स से होंगे ठीक है थ्री क्वेश्चन सिनोनिम से आएंगे थ्री क्वेश्चन एंटोनिम से आएंगे तो मतलब कि अगर आपने सिनोनिम और एंटोनिम्स प्रॉपरली कर लिया है तो सिक्स मार्क्स आप यहाँ पर गेन कर सकते हो सिक्स मार्क्स आप यहाँ पर गेन कर सकते हो और देखो सिनोनिम एंटोनिम करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम अगर आपको करना है तो अगर आपको आंसर पता है तो पता है फिफ्टी फोर सेकेंड्स का टाइम ये थर्टी सेकेंड्स के अंदर होने वाला क्वेश्चन है ओके तो सिनोनिम और एंटोनिम यहाँ पे तीन तीन सिनोनिम और एंटोनिम आने के चांसेस हैं जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसके साथ में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देखो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में जहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में समथिंग दैट कैंड तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस उसके आ सकते हैं फॉर टू मार्क्स देन एरर डिटेक्शन जो है एरर डिटेक्शन में हम एस्टिमेट करेंगे थ्री मार्क्स के लिए ये टॉपिक आ सकता है लगभग ओके इट कैन बी फॉर पॉसिबली फॉर थ्री मार्क्स जहाँ पर okay? for, for marks, जहां पे आपको मतलब पार्ट में जैसे कि ए बी सी एंड डी पार्ट में हम सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं ओके okay? फिर वहाँ पर आपको एरर क्या है कौन से पार्ट में उसको डिटेक्ट करना हो सो दैट इज एस्टिमेटेड फॉर थ्री मार्क्स क्लोज टेस्ट देखो क्लोज टेस्ट वे फाइव मार्क्स के लिए हम एस्टिमेट करें कि क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट हमने देखा था कि एक पैराग्राफ आपको दिया था उसके अंदर ब्लैंक्स होते हैं ए बी सी डी ऐसे ब्लैंक्स होते हैं उसको फिल करना था दैट इज क्लोज टेस्ट तो हो गया क्लोज टेस्ट दैट इज एस्टिमेटेड फॉर फाइव मार्क्स देन उसके बाद में क्लोज टेस्ट या फिर फिलर्स अब देखो क्लोज टेस्ट और फिलर्स में फ़र्क है दोनों मतलब सेम पार्ट ही हैं सिर्फ क्लोज टेस्ट जो होता है क्लोज टेस्ट मोस्टली पैराग्राफ के ऊपर ऑपरेट करता है ठीक है फिलर्स जो होते हैं फिलर्स में क्या होता है डिफरेंस क्या है दोनों में फिलर्स में आपको सेंटेंस दिया जाता है ओके okay? सेंटेंस दिया जाता है और इसमें ना ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं आपको तो उसमें ब्लैंक्स को आपको फिल करना होता है तो वो ब्लैंक्स को आपको फिल करना पड़ता है सो दैट इज कॉल्ड एज फिलर्स ठीक है तो या तो फिलर्स हो जाएगा या तो या तो यहाँ पे आपके लिए फिर से मतलब क्लोज टेस्ट हो जाएगा ये भी फाइव मार्क्स के लिए तो देखो क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स के थ्रू भी हम यहाँ पर ना टेन मार्क्स को ईजिली ग्रैप अप कर सकते हैं तो इंग्लिश का जो सेक्शन अभी तक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट अगर किसी को लग रहा था तो वह मुझे लगता है कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है जब आप ये पेपर पैटर्न को देखेंगे तो तो ये ब्लूप्रिंट इसीलिए हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं ओके एंड रियली एसेंशियल है ये फिर एडियम्स एंड फ्रेजेस पे हम देखो एस्टिमेट कर रहे हैं कि दो मार्क्स आपको मिल जाएंगे फिर स्पेलिंग्स के ऊपर राइट स्पेलिंग्स चेक करने के लिए दो मार्क्स हो सकते हैं फिर ग्रामर के ऊपर एक मार्क हम एस्टिमेट करेंगे डायरेक्ट ग्रामर का एक ही क्वेश्चन यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं हम रीअरेंजमेंट या फिर पैरा जम्बल मतलब कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर अगर पैराग्राफ है उसको ओ जम्बल ऑर्डर में है उसको रीअरेंज करने के लिए आ गया तो दो मार्क्स के लिए हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि दो मार्क्स के लिए यहाँ पे पैरा जंबल या फिर आपका जो रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस है वो आना चाहिए वन वर्ड सब्सट्यूशन जो है वो भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं एक मार्क्स के लिए आएगा और उसके बाद में एक क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे वन वर्ड सब्सट्यूशन दे दे या फिर सिंगुलर प्लूल दे दे या फिर वो कैबुलिस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या फिर वही सेम चीज़ मतलब सिनोनिम एंटोनिम कुछ भी और मतलब हो हो सकता है सो so, एक और क्वेश्चन यहाँ पे समथिंग वैसा हो सकता है ओके बिकॉज सिंगुलर प्लूरल एक टॉपिक था यहाँ पे बचा हुआ लेकिन वो टॉपिक ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा पूछा ही जाए तो उसके लिए वन वर्ड सब्सिट्यूशन या कुछ ऐसा भी हो सकता है सो मोस्टली देखो 40 मार्क्स का तो ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आरसी को स्ट्रांग करो सभी लोग जिन जिन लोग को आरसी में प्रॉब्लम उसको स्ट्रॉन्ग करो ओके आर सी और क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो बिकॉज ये मेजॉरिटी ऑफ़ द फिफ्टी परसेंट ऑफ़ द मार्क्स मतलब कि ट्वेंटी परसेंट मार्क्स जो है ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी मार्क्स इंग्लिश का तो यहाँ से ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आते हुए नजर आ जा रहा है ठीक है सिनोनिम एंटोनिम वगैरह ये सब सब बेसिक टॉपिक भी अगर कर लोगे तो ईजिली आप यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर एक पर्सन अच्छी तरीके से इंग्लिश को कर ले तो देखो थर्टी थर्टी फाइव मार्क्स लाना ना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है फिर यहाँ पर तो आप ईजिली यहाँ पर मार्क्स को स्कोर कर सकते हो और यही एक सेक्शन जहां पे मार्क्स जल्दी स्कोर हो सकते हैं, बिकॉज बाकी जहां पे लॉजिकल एबिलिटी आ जाएगी वहां पे तो मार्क्स मतलब स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चलो अब बात कर लेते हैं हम कोडिंग सॉरी कोडिंग डी कोडिंग एल आर वी आर के तो एल आर वी आर मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग में अगर हम बात करें तो लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो 15 15 का हम डिवीजन स्प्लिट समझ के चल रहे हैं ठीक है अब देखो रीजनिंग जो सेक्शन है रीजनिंग में क्या बोला गया है? कि रीजनिंग में वर्बल है और अरिथमेटिक है ठीक है तो ये सेक्शंस को यहाँ पे मतलब अरिथमेटिक मतलब वही मैथ्स है यहाँ पे और उसके साथ में रीजनिंग है तो अगर देखो रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में 15 15 का स्प्लिट हम पकड़ के चल रहे हैं 15 क्वेश्चन हो जाएंगे रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन हो जाएंगे मैथ्स के लिए लेकिन ये स्प्लिट जो है एग्जाम में मे बी ऑल्टर भी कर सकता है ऐसा भी हो सकता है कि सेवनटीन क्वेश्चन आ जाएँ रीजनिंग के और थर्टीन क्वेश्चन ही मैथ्स के लिए आए तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ठीक है तो अब ये पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पर है तो थोड़ा

क्वेश्चन है रैंकिंग में वन क्वेश्चन है ठीक है तो ये सब देखो यहाँ पे चांस जिसका चांसेस टू का यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि टू क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड है जरूरी नहीं है कि होगा ही अल्फाबेट एंड रैंकिंग टेस्ट के देखो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आ जाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन सीरीज से एक क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल पजल से दो क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है अब देखो या तो न्यूमेरिकल पजल से दो क्वेश्चन हो सकते हैं या तो सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है सो चांसेस है कि ये स्विच हो सकता है एक दूसरे में फिर उसके बाद में एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से एक एक क्वेश्चन का चांसेस है फिर उसके बाद में स्टेटमेंट कंक्लूजन से एक क्वेश्चन है फिर ब्लड रिलेशन पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं बिकॉज़ ब्लड रिलेशन हमेशा एक पैराग्राफ में आता है तो दो क्वेश्चन एट अ मिनिमम तो ब्लड रिलेशन से होना ही चाहिए फिर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन का एक और क्वेश्चन एस्टिमेट हम कर रहे हैं कि एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन से अगर हम देखेंगे तो दो क्वेश्चन का एस्टिमेशन है हमारे लिए ठीक है फिर सिलोजिज्म से एक क्वेश्चन का एस्टिमेशन है तो इस तरीके से फिफ्टीन मार्क्स आपके कोडिंग डी के हो जाते हैं अगर हम देखें मैथ्स का जो सेक्शन है तो मैथ्स सेक्शन में देखो नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफिकेशन से हम दो क्वेश्चन को एस्टिमेट करें बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द पेपर्स में सिंपल टॉपिक स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि आप मार्क्स को स्कोर करो तो सिंप्लीफिकेशन से दो क्वेश्चन आने का वेरी गुड चांसेस है स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन डेफिनेटली होता है एवरेज इसका एक क्वेश्चन होगा ये सिंपल होता है एवरेज एंड प्रॉब्लम जो एजेस प्रॉब्लम ऑन एजेस है मिसलेनियस सेक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में किया था तो इसमें से भी दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं मतलब दोनों मिला के रेशियो प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन होगा परसेंटेज का एक क्वेश्चन होगा प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन होगा मैंसूरेशन दो क्वेश्चन के साथ में आ सकता है ओके okay. इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है तो इसका भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा डिस्काउंट जो है इसमें भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एल सी एम एंड एच सी एफ इसका क्वेश्चन अगर हो सकता है या तो इसकी जगह पर ऑप्शन में यहाँ पर नंबर सिस्टम हो सकता है ठीक है या तो नंबर सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे या तो फिर कोई और क्वेश्चन मतलब भी हो सकता है यहाँ पे लेकिन ज़रूरी नहीं कि एच सी एफ एल सी हो लेकिन टॉपिक है ओके okay, मोस्टली आना चाहिए एक क्वेश्चन एटलीस्ट लेकिन अगर नहीं आएगा तो नंबर सिस्टम में स्विच कर जाएगा ठीक है अब चलो जी के में अगर हम देखें तो जी के का जो सेक्शन है फिफ्टीन मार्क्स का सेक्शन है ओके तीन मार्क्स एस्टिमेटेड है जोग्राफी के लिए तीन मार्क्स एस्टिमेटेड है हिस्ट्री एंड कल्चर के रिलेटेड ठीक है तो या तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि, को, कि कोई कोई टेम्पल कहाँ पे है या ठीक है कोई मतलब कोई मोन्यूमेंटल प्लेस जो वो कहाँ पे है तो ये कल्चरल रिलेटेड चीज़ हो जाती तो ये हो सकता है कि हिस्ट्री या कल्चर से रिलेटेड तीन तीन क्वेश्चन आ सकें फिर ट्रेड एंड कॉमर्स में हम एक्सपेक्ट कि एक ही क्वेश्चन आएगा साइंस पे दो क्वेश्चन हो सकते हैं स्पोर्ट्स पे दो क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर्स और जीके के चार क्वेश्चन होने के चांसेस है ये बढ़ भी सकता है फाइव भी हो सकता है एक आधा कहीं पे सेक्शन को कम कर दिया जाएगा बट फोर थ्री टू फोर क्वेश्चन एट मिनिमम जीके एंड करंट अफेयर से आ जाएंगे अब जीके एंड करंट अफेयर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है ओके जीके एंड करंट अफेयर जो लोग हमारे साथ में डेली पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा ये तो उनका तो जी एंड करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से जी के एंड करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है यहाँ पे 15 मार्क्स है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहने वाला है नेक्स्ट अगर हम देखें कंप्यूटर सेक्शन में तीन मार्क्स जो है सीपीयू रिलेटेड में आ सकता है फिर तीन मार्क्स कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर आ सकता है सॉफ्टवेयर के ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे एक क्वेश्चन हो सकता है एप्लीकेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर जो कि सॉफ्टवेयर का ही टॉपिक है इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है ये सेक्शन वैसे बचा रह गया ओके बट देन टू हम uh, पॉसिबली है एक से दो दिन में वापस से इसके ऊपर एक लेक्चर हम कंडक्ट कर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर ये इससे एक क्वेश्चन हो सकता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर वन क्वेश्चन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वन क्वेश्चन इंटरनेट से एक क्वेश्चन हो सकता है सिक्योरिटी या डेटा से एक क्वेश्चन आने का है ओके दिस कैन बी ऑल्टर एंड कभी ये भी हो सकता है कि शायद से ये दोनों सेक्शन से क्वेश्चन ही नहीं आए और डायरेक्टली इसको स्विच कर दिया जाए सी के ऊपर या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर या फिर मेमरी के ऊपर तो ऐसा ये क्वेश्चन मतलब हो सकता है स्विच हो जाए बिकॉज थोड़ा सा इसका प्रायरिटी जो है ना इंटरनेट एंड सिक्योरिटी एंड डेटा का थोड़ा सा प्रायोरिटी लो है यहाँ पे तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मे बी पॉसिबिलिटी ऐसा सकता है कि इंटरनेट सिक्योरिटी एंड डेटा आपको क्वेश्चन देखने को भी ना मिले लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ाई आप नहीं करोगे पढ़ाई जरूर करना बिकॉज अगर आ जाएगा तो क्या करोगे तो देखो आएगा भी तो बहुत ही सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो आप इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाओ और ओवर इनऑल पेपर जो रहने वाला दैट इज़ गोइंग टू बी मॉडरेट पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होने वाला है ठीक है बिकॉज पहली बात तो फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है ऊपर से बहुत सारे लोग प्रिपेर्ड अप नहीं हैं और इसका जो पेपर होता है हमने जो बाकी पेपर भी एनालिसिस किए बाकी जो अलग अलग लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उसके एनालिसिस में भी जो हमको देखने को मिला पेपर या तो ईजी होता है या तो मॉडरेट, डिफ़िकल्ट लेवल पर ज़्यादा जाता नहीं है तो अगर आप मतलब थोड़ा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो so डेफिनेटली आपके लिए जो पेपर होगा बहुत ही इजी मतलब हो सकता है या फिर एट अ मैक्स मॉडरेट हो सकता है ठीक है तो ये था कंप्लीट पेपर पैटर्न ओके जो कि मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है इन इनकेस इसके बाद में कोई डाउट रहे कोई प्रॉब्लम रहे तो इनसे कॉमेंट जरूर करना और अगर आपने अभी तक हमारा जो पेड मॉक टेस्ट है उसको परचेज़ नहीं किया और पर बट प्लान कर रहे हैं ओके okay, मैं आपको देखो फोर्स नहीं करूँगा कि आप जरूर खरीदना ही खरीदना लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हो तो आज लास्ट डेट है ठीक है लास्ट डेट तो है फॉर ऑफर प्राइस तो ओरिजिनल प्राइस है 599 बट इसको कैंसिल आउट करके हमने 399 में इसको ऑफर प्राइस में रखा है सो टुडे इज़ द लास्ट डेट अगर किसी को परचेज़ करें सो डू परचेज इट उसको परचेज कर लेना ठीक है सो पेड मॉक टेस्ट अदरवाइज फ्री मॉक टेस्ट तो आज के दिन में अलाइंट ऑलरेडी है फिफ्थ को और टेंथ को फ्री मॉक टेस्ट आने वाला है ठीक है और बाकी दिन आपके पार्ट टेस्ट रहते ही हैं सो so, अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो तो प्लीज़ ग्रैब अप द ऑफर थ्री नाइन्टी नाइन में ओके okay, टू हंड्रेड रुपीज़ आपके सेव हो जाएंगे ठीक है लाइक like, शेयर कर देना मिलते हैं दूसरे वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय